फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 19 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट, सब कुछ आप लोग लिख लेंगे। क्लास के साथ सेक्शन भी लिख लेंगे। लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अब यहाँ देखिए लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों को, चित्रों में रंग भरिए और इन चित्रों पर गोला लगाइए जो कि फल है। तो आपको क्या करना है, पहले इन चित्र में रंग भरना है सब में, ठीक है, और फिर उन चित्र पर गोला लगाना है जो कि फल है। तो अब आप रंग तो भर सकते हैं आसानी से। ये आपका बनाना है, छिलका इसका येलो हो जाएगा, अंदर से ये वाइट रहेगा, ठीक है। ये आपकी लौकी है, लौकी में आपको ये हल्का हरा कलर करना होता है, ये डार्क ग्रीन कलर करना होता है। इसके अलावा इसको आप मूली या गाजर कुछ भी मान सकते हैं सॉरी, तो अब इसे गाजर मान लेते हैं। तो इसमें हम ऑरेंज करेंगे और ऊपर इसका क्या कर देंगे, इसके ऊपर का हिस्सा हरा कर देंगे। देन ये आपका एप्पल है, इसे हम रेड कलर करेंगे, क्योंकि मेरे पास रेड कलर है नहीं, तो इसे भी हमने ऑरेंज कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे इसका छिलका जो पत्ता है, इसे हम हरा कर लेंगे, ठीक है। अब आपको उन पे गोले लगाने हैं जो कि फल हैं। तो आपका ये सेब फल है और ये केला फल है, तो इन दो पे आप गोला लगा देंगे, है ना, आसान। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आइए अब नीचे दिए गए फलों को पहचान कर खाली स्थान में उनके नाम का पहला अक्षर लिखें। तो ये क्या है, ये है संतरा, तो ये हो जाएगा सा से संतरा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आड़ू, तो आ से आड़ू। ये क्या हो जाएगा, तरबूज, तो ये हो जाएगा त से तरबूज सॉरी। ये क्या है, अनार, तो ये हो जाएगा छोटे आ से अनार, ठीक है। ये हो जाएगा आड़ू, बड़े आ से आड़ू, है ना। ये क्या हो जाएगा, सेब, सा से सेब, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चित्र बनाने में आप अपने मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हैं, भाई बहन की भी ले सकते हैं। बच्चों, आम सभी फलों का राजा है, गर्मियों के मौसम में मिलता है। हम सबको आम का जूस, अचार और चटनी अच्छी लगती है। तो चलिए बच्चों, फलों के राजा आम की कविता को गाते हुए आम के चित्र में रंग भरते हैं। तो चलिए हम लोग आम के चित्र में रंग भरते हैं और आम की कविता को गाते हैं। इसमें हम रंग भर सकते हैं येलो, ग्रीन, है ना, जो कलर आपको अच्छा लगे आप इसमें भर सकते हैं, क्योंकि हल्का सा ऑरेंज भी होता है कहीं कहीं पे आम। तो चलिए क्या लिखा है, आम लो भाई आम लो, आम लो भाई आम लो, मीठे मीठे आम लो, पीले पीले मीठे आम, हरे हरे कच्चे आम, मीठे आम को मज़े से खाओ, हरे आम का अचार बनाओ, ठीक है। तो इसे आप कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपके टीचर्स को कहा गया आपको वर्कशीट अच्छे से समझाएं, आपके पेरेंट्स को कहा गया है बच्चों से उनके मनपसंद फल के बारे में पूछिए और बातचीत के माध्यम से उन्हें बताइए कि फल खाना हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है और इससे हम कई रोगों से बच सकते हैं, यानी बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।